realizzarlo. Ahoy! ज़्यादातर कुछ नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है क्या विट्ठल भगवान कृष्णा जी का एक रूप अवतार है, मुझे इतना ही पता है। आप जो अभी गेटअप में हैं, गेटअप करके कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? गुड फील, गुड गुड प्राउड ऑफ मी। भगवान को मानते हैं आप? यस। मेरा नाम किरण है। क्या कहना चाहिए अपने इस गेटअप के बारे में? मैं ये बन के बहुत प्राउड फील हो रही हूँ, क्योंकि एक भगवान जैसी हुई हूँ मैं आज। हम एक्चुअली स्कूल में हर टाइम एक काफ़ी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कि बच्चे लोग को यही सिखाना है। नो आजकल बच्चे काफ़ी एंग्रोस होते हैं कंप्यूटर गेम्स में और टीवी पे, तो उनको एक लीडरशिप क्वालिटी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इम्बाइब करें। और अभी जो सिनारियो चल रहा है तो अच्छा नहीं है, और इसलिए हम बच्चों को एक अच्छे संस्कार, अच्छे एक विचार देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एजुकेशन विदाउट वैल्यू हैज़ ज़ीरो मीनिंग। और आजकल के बच्चे होशियार है लेकिन वो फोकस नहीं है, तो टीचर्स काफ़ी मेहनत करते कि उनको ये सब प्रोग्राम में जो भी अपनी हिस्ट्री है, जैसे अभी महाराष्ट्र की हिस्ट्री भी बहुत काफ़ी रिच है, जो अपने आप हम जब भी पढ़े थे स्कूल के टाइम में पढ़ते थे, आजकल लोग भूल रहे हैं, संस्कृति लुप्त हो रही है, तो हम उसको एक कोशिश कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति लुप्त न हो के उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं बच्चों के माध्यम से। और ये बच्चे ऐसे काफ़ी होशियार है और काफ़ी टैलेंटेड है, तो हम चाहते हैं कि टीचर्स उनके पीछे थोड़ा मेहनत करके और अच्छे एक लीडर बनाए, जैसे सरदार पटेल थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जो कम उम्र में आज पूरी दुनिया में नाम रोशन करके गए, तो हम चाहते हैं कि बच्चे ऐसे एक लीडर बने कि ना कि फॉलोअर। शार्दुल ठाकुर दो अच्छा है, अभी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हम उनको भी कोशिश यही करते थे कि एक इंडिया के लिए खेले और एक आगे खेलने के बाद समाज के लिए कुछ करे। हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि आप कल बड़े स्टार बनते हो तो खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना ये सबसे बड़ा जीवन का चरित्र है, तो आप लोगों के जैसे कलाम साहब वो देश के लिए दुनिया के लिए कुछ करके गए, और आज पूरी दुनिया में उनको आज लोग मानते हैं और जानते हैं। तो जैसे रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर भी स्कूल से निकले और बड़े स्टार हो गए, लेकिन उनको हमेशा बोलते हैं कि आप भी समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर दिखाइए। रोहित शर्मा का बैट्समैन डॉक्टर चैतन्य गिरी, वो नासा में साइंटिस्ट है, और वो भी हमको बहुत मतलब प्राउड फील होता है कि आज अपने स्कूल के बच्चे देश को पूरा देश में नाम रोशन कर रहे हैं। और ये बच्चों को हम हमेशा बताते हैं कि आप कल स्कूल के छोड़ के जाते हो, कॉलेज ग्रेजुएट होते हो, तो आपको फिर लाइन में खड़ा नहीं रहना है जॉब के लिए, आप ऐसा कुछ करो कि आपको लोग ढूंढते आवे। तो ये टैलेंट तो है उनके पास, लेकिन उनके पास क्या फोकस नहीं है, बिकॉज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज बच्चे ऑप्शन से कंप्यूटर गेम्स फोन से, तो उनसे उनका ग्रोथ फिजिकली और मेंटल ग्रोथ नहीं हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी ज़्यादातर वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो उनको बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, और आज इसके लिए काफ़ी टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी जवाबदारी बन गई है। टीचर्स का भी बहुत मतलब इजी नहीं है बच्चों को हैंडल करना, 50 बच्चों को क्लास में। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, और हमारा सबका एक ही फोकस होएगा कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द राइट डायरेक्शन।